नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दूरीना ऐप पर हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आज इंडिया जीके का और एक बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। हमने सामाजिक 1857 की क्रांति के रिगार्डिंग पढ़ लिया था बच्चों, ठीक है, और कल एक क्लास हमने मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की भी ली थी आपको मतलब एक आइडिया देने के लिए बच्चों। जैसे ही मॉडर्न और मिडिवल इंडिया कंप्लीट हो जाता है बच्चों जल्दी जल्दी, फिर हम है ना वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे जो HSSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, NCERT बेस्ड रहेगी, क्योंकि +1 और +2 की बुक से क्वेश्चन आए हुए थे। वो भी बच्चों आपको टाइमली मतलब आपके एग्जाम से पहले वो सारी चीज़ें हम आपको कवर अप करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। वो कहते हैं ना, वक्त बदलो या वक्त को बदलना सीखो, वक्त बदलो या वक्त को बदलना सीखो। लाख परेशानियां आए जीवन में, लाख परेशानियां आए जीवन में, पर हर हाल में चलना सीखो। एक बार फिर से बच्चों एक मतलब बेहतरीन लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और आज का हमारा मतलब जो लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा इम्पोर्टेंट काफ़ी रहेगा। हम पढ़ेंगे बच्चों राम किशन मिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राम किशन मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? राम किशन मिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन, राम किशन मिशन का नाम आते ही ना यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसी छवि आती है, स्वामी विवेकानंद जी की छवि आती है। राम राम प्रताप जी, राम राम मनीषा जी, हेलो गुड आफ्टरनून पुष्पा जी, ठीक है। तो हमारे सामने राम किशन मिशन का नाम आते ही किसकी छवि आती है बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी की छवि आती है। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी विवेकानंद जी के पूरे इतिहास के बारे में पढ़ना होगा और बच्चों एग्जाम में स्वामी विवेकानंद जी से क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है बच्चों, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? कलकत्ता में जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन तो बच्चों बेसिकली यही बन जाएगा कि हम 12 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं? यूथ डे के रूप में मनाते हैं। यूथ डे यानी 12 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं बच्चों? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। हम 12 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं बच्चों? युवा दिवस के रूप में हम किसको मनाते हैं? 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का। बच्चों राम किशन मिशन में मैं स्वामी विवेकानंद क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इनकी याद में 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? युवा दिवस बनाते हैं। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? गुड आफ्टरनून अमन जी, ठीक है। अब बात आती है, एक बार आया था इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या होता था? नरेंद्र दत्त होता था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या होता था? नरेंद्र दत्त होता था। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या होता था? इनके बचपन का नाम बच्चों नरेंद्र दत्त होता था। एक बार ये क्वेश्चन, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी को किसकी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी थी। ये तो रट ही लेना बच्चों, महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी को किसकी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी थी। और स्वामी विवेकानंद जी के बच्चों एक बार पिता का नाम पूछा गया था, विश्वनाथ। इनके पिता का नाम क्या होता था? इनके पिता का नाम विश्वनाथ होता था। इनके पिता का नाम क्या होता था बच्चों? विश्वनाथ पिता का नाम होता था। और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, भुवनेश्वरी देवी। तो बच्चों जो भी हम मतलब पढ़ेंगे ना बड़े डिटेल से पढ़ना होगा। आजकल ना HSSC है ना पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, ठीक है सर कब से शुरू हुआ था ये मिशन, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे। युवा डे इम्पोर्ट, ये सारे चीज़ें बच्चों आपके गुरु के, हाँ अपने गुरु के नाम पर इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। राम किशन मिशन की स्थापना इन्होंने किसके नाम पर की थी? अपने गुरु के नाम पर। ये मतलब इन्होंने राम किशन मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। सारी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ था। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी।
हुई। कहते हैं बच्चों इनके पिता है ना, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में इनके पिता क्या होते थे? इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या होते थे? वकील होते थे। ये याद रख लेना, इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या होते थे बच्चों? इनके पिता वकील होते थे। ठीक है, इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या होते थे बच्चों? वकील होते थे, एडवोकेट होते थे। और इनकी माता है ना भुवनेश्वरी देवी, इनकी माता क्या होती थी बच्चों? आध्यात्मिक होती थी, आध्यात्मिक होती थी। इनकी माता क्या होती थी? आध्यात्मिक होती थी। यानी इनकी माँ है ना बच्चों, जैसे रामायण का पाठ हो गया, महाभारत का पाठ हो गया, उनमें ही लीन रहती थी। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? तो इनके जीवन पर अपनी माता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इनकी माता भुवनेश्वरी देवी। तो इनके जीवन पर सबसे ज़्यादा बच्चों प्रभाव किन का पड़ा था? इनकी माँ का प्रभाव पड़ा था। सर स्पीड से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ ऋषभ जी, कंप्लीट आपका ना एग्ज़ाम से पहले ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी टेंटेटिव डेट आई है बच्चे, ये रियल डेट नहीं है, क्योंकि इस डेट को एस्टेट का भी पेपर बोला जा रहा है। तो बच्चों एस्टेट का पेपर अगर तय टाइम पर हुआ तो पेपर थोड़ा बहुत आगे आएगा। जैसे ही बच्चों इसकी रियल डेट आ गई ना, तो मैं 101% कहता हूँ चार चार घंटे क्लास लेकर ना आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। आपको 10.5 घंटे वाली क्लास भी तो ली थी ना, तो आप ऋषभ जी चिंता मत करो, वो चीजें आप हम पर छोड़ दो। ये क्वेश्चन आया था, इनके जीवन पर किसका प्रभाव देखा गया था? इनकी मां का प्रभाव देखा गया था। और कहते हैं बच्चों 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या त्याग दिया था? घर त्याग दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कितने वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया था? 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने किसका त्याग कर दिया था? घर का त्याग कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कितने वर्ष की उम्र में घर का त्याग कर दिया था? 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चों इन्होंने जैसे ही घर का त्याग कर दिया ना, तो घर का त्याग करते ही ये किसके गुरु, किस में की खोज में निकल गए थे? सच्चे गुरु की खोज में निकल गए थे। किसकी खोज में निकले थे? सच्चे गुरु की। और इनकी भेंट हो जाती है बच्चों स्वामी रामकिशन परमहंस से। किससे भेंट हो जाती है? स्वामी रामकिशन परमहंस से इनकी भेंट हो जाती है। और ये स्वामी रामकिशन परमहंस को कहते हैं कि गुरुजी मैं आपको अपना गुरु धारण करता हूँ। लेकिन बच्चों स्वामी रामकिशन परमहंस है ना, इनको शिष्य मानने से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। कहता है कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि स्वामी रामकिशन परमहंस ने इन्हें शिष्य बनाने से क्या कर दिया? इनकार। तो बच्चों ये है ना स्वामी विवेकानंद जी है ना, तो ये तो अपने आप में बच्चों बहुत ऐसे इंसान थे कि इनको जो चीज़ पाना है ना, एक बार जिस चीज़ को लक्ष्य कर लिया पाना है, तो ये पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने बच्चों किसकी अपने आप का ध्यान किस से जोड़ लिया? आध्यात्मिकता से जोड़ लिया। और एक दिन कहते हैं बच्चों साक्षात काली माता ने इनको क्या दिए थे? दर्शन दिए थे। ये क्वेश्चन बच्चों पक्का आता है, काली माता ने किसको दर्शन दिए थे? तो काली माँ ने दर्शन किसको दिए थे बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात किसने दर्शन दिए थे? काली माँ ने। कहाँ पर दर्शन दिए थे? कलकत्ता में दिए थे। काली माता का बच्चों भव्य मंदिर भी है कलकत्ता में, इसमें डाल सकते। काली माता ने इनको क्या दिए थे बच्चों? साक्षात दर्शन दिए थे। और बच्चों जब से काली माँ के दर्शन हुए ना, फिर ये अपने गुरु से मिले, तो रामकिशन परमहंस ने इनको अपना क्या मान लिया? शिष्य मान लिया। तो इनके गुरु बहुत बार एग्जाम में आते हैं, जैसे बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक बार जैसे ना गुरु पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो उनके गुरु स्वामी विरजानंद थे, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के रामकिशन परमहंस क्या थे? इनके गुरु थे। और बच्चों एक बार क्वेश्चन आया था, स्वामी रामकिशन परमहंस को क्या कहा जाता है? इनको दक्षिण का स्वामी कहा जाता है। स्वामी रामकिशन परमहंस को क्या कहा जाता है? दक्षिण का स्वामी कहा जाता था। स्वामी रामकिशन परमहंस को क्या कहा जाता था बच्चों? दक्षिणी या दक्षिणेश्वर स्वामी कहा जाता था। या तो दक्षिण का स्वामी आएगा या दक्षिणेश्वर स्वामी किसे कहा जाता था? स्वामी रामकिशन परमहंस को कहा जाता था। ओके सिंह, बस आपका ही भरोसा है ऋषभ जी, चिंता मत करो, बाकी टीचर को कोई भी बोल देना सर।
ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, स्टेट भी चेंज भी हो सकता है। हाँ पुष्पा जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले ना एक महीना पहले हमें है ना ये बताया जाएगा। ठीक है, तो इनके स्वामी रामकिशन, इनको क्या कहा जाता है, रामकिशन परमहंस को क्या कहा जाता है, दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है। अब बात आती है बच्चों स्वामी विवेकानंद जी है ना, जहाँ से पूरी हिस्ट्री की शुरुआत होगी, 1893 में कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। कहाँ पर गए थे, शिकागो गए थे स्वामी विवेकानंद जी 1893 में कहाँ पर गए थे बच्चों, शिकागो गए थे, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। किस में भाग लेने के लिए गए थे, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों, किस में भाग लेने गए थे, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे, शिकागो गए थे। किस में भाग लेने के लिए, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे, शिकागो गए थे बच्चों, अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये शिकागो सम्मेलन, तो रट कर चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, शिकागो श्रम। और बच्चों ये है ना सर्वधर्म सम्मेलन का मतलब क्या है, यहाँ पर ना सभी धर्मों के लोग आए हुए थे, अपने अपने धर्म का, पूरे विश्व का सर्वधर्म सम्मेलन था बच्चों। और ये स्वामी विवेकानंद जी कौन सी पुस्तक लेकर जाते हैं बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता लेकर आ जाते हैं। क्या लेकर गए थे, श्रीमद् भगवत गीता लेकर गए थे। और वहाँ पर बच्चों शिकागो में कहते हैं रूल था कि हर एक है ना व्यक्ति को 2 मिनट का टाइम दिया गया था, कि हर एक व्यक्ति को 2 मिनट बोलना है। और बच्चों स्वामी विवेकानंद जी है ना, इससे पहले जितने भी बच्चों कोई स्पीच देने आते थे ना, वो कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी जैसे स्पीच की शुरुआत करते हैं, इन्होंने स्पीच की शुरुआत की थी मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों। और इस स्पीच पर बच्चों इतनी तालियां बजी थी कि आप है पूछो मत। और जो सभी को 2 मिनट का टाइम था ना बच्चों, और इन्हें है ना मतलब पूरा स्पीच दिया था, और इनको किसी ने स्टेज से नहीं उतारा था। और बाद में जब ये स्वामी जी स्टेज से नीचे आ रहे थे ना, तो सभी जोर जोर से बोल रहे थे वंस मोर हमें आपका स्पीच है और देना है। बच्चों ये हिप्नोटाइज की पावर थी, ये मंत्रमुग्ध कर देते थे। हिप्नोटाइज की पावर क्या होती है बच्चों, कि जैसे ये जादूगर लोग आते हैं, ठीक है, और जादूगर लोग जो बाहर खेल दिखाते हैं कि उनके हाथ से रुपए निकलने लग जाते हैं, अरे बच्चों वो हमारी आंखें बंद कर देते हैं, हमें हिप्नोटाइज कर देते हैं। अगर जादूगर के ही हाथों से रुपए निकलेंगे तो आरबीआई की बच्चों जरूरत क्या है। तो ये हिप्नोटाइज की पावर है। तो स्वामी विवेकानंद जी का स्पीच इतना मंत्रमुग्ध कर देता था कि क्या मजाल कोई खड़ा हो जाए। तो बच्चों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इनके साथ एक वाक्य घटित हुआ था कि अमेरिका में कहा गया था कि जो भी है ना अपनी चीजें लेकर आई है ना, अपनी पुस्तक लेकर आई है ना, वो कहां पर रख दो, आगे की ओर रख दो। तो कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले बैठे हुए थे, उन्होंने भगवत गीता को क्या कर दिया, सबसे पहले रख दिया। तो भगवत गीता के ऊपर और पुस्तकें आती गई और आती गई और आती गई, तो भगवत गीता कहते हैं सबसे नीचे रह गई। और एक अंग्रेज ने इनके साथ मजाक कर लिया, बोला स्वामी जी आपकी पुस्तक तो कहां दब कर रह गई, नीचे रह गई। तो इन्होंने बच्चों उस अंग्रेज को जो जवाब दिया था ना, उसे सुनकर है ना अंग्रेज को बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। तो उन्होंने अंग्रेज को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब हम चाय को छानते हैं ना, तो जो अशुद्धियां होती है ना पत्ती वगैरह की, वो कहाँ रह जाती है, ऊपर रह जाती है, और शुद्ध चाय कहाँ पर आ जाती है, नीचे आ जाती है। और जितनी भी अशुद्धियां थी ना आपकी किताबों में, वो कहाँ पर आ गई है, छन छन कर वो अशुद्धियां कहाँ पर आ गई है ऊपर, और वो उन मतलब छन छन कर नीचे आ गई है, और शुद्ध होकर आपकी अशुद्धियां कहाँ पर आ गई है, गीता में, और गीता ने उन अशुद्धियों को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। तो बच्चों ये सच्चाई है कि गीता में ना आप गीता पढ़ने बैठो है ना, गीता में आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप जब भगवत गीता पढ़ने बैठो ना, अपने दिमाग में ना 20 से लेकर 25 क्वेश्चन दिमाग में लेकर बैठना, और जब भगवत गीता पूरी होगी ना, तो बच्चों उसमें सभी आपको आंसर मिल जाएगा। अब हरियाणा वालों को तो आंसर मिलना बच्चों मुश्किल है। हरियाणा वालों का क्वेश्चन ये होगा कि मेरी शादी कब होगी। अरे पागलो, भगवत गीता ये थोड़ी बताएगी आपकी शादी कब होगी। हाँ भगवत गीता इनडायरेक्ट वे में जरूर बोल देगी, बेटा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, HSSC में पुलिस में जॉब लग जाओ, शादी अपने आप हो जाएगी। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। सर भाइयों और बहनों, सबसे पहले किसने, इन्होंने बच्चों, पुष्पा जी अमेरिका में इन्होंने बोला था भाइयों और बहनों, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों।
वीडियो रुक रही है ना, पीछे जाके एक बार दोबारा इसको ना स्टार्ट कर लो, ये वीडियो सही चलेगी, ठीक है। अब बच्चों स्वामी विवेकानंद जी ने ना लगातार कहते हैं स्पीच दिया था, 2-3 दिन जितने तन ये सर्व धर्म सम्मेलन चला था ना, लगातार इन्होंने स्पीच दिया था। और यूनेस्को ने भी बच्चों गीता को बुकों में, यूनेस्को ने भी गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को किसने रिमेंड री, श्रीमद् भगवत गीता को यूनेस्को ने भी रिकमेंड कर दिया। यूनेस्को है ना बच्चों, इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया है। तो इन बातों का ना बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान। जॉब कब मिलेगी, जरूर मिलेगी, जॉब क्यों नहीं मिलेगी सर। राम राम अमित जी सर। हाँ क्या है, अशुद्धि तो पत्ती हुई ना जो ऊपर रह गई, अरे मतलब शुद्ध चाय तो नीचे आ गई ना, अशुद्धियां ऊपर रह गई और जो शुद्ध चाय कहाँ आ गई, नीचे। तो जो अशुद्धियां थी ना, तो अशुद्धियां ऊपर रह गई, गीता तो शुद्ध ही हो गई, शुद्ध चीज तो कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी। तो गीता क्या थी बच्चों, शुद्ध चीज थी, गीता में कोई अशुद्धि नहीं है। कभी भी गीता पढ़ने बैठो ना बच्चों, आपके सभी क्वेश्चन का क्या मिलेगा आंसर। बच्चों जब इन्होंने स्पीच दिया था ना, उससे अगले दिन ना एक अमेरिका का जो समाचार पत्र था न्यूयॉर्क हेराल्ड, अमेरिका का समाचार पत्र कौन था, न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये लिखता है कि भारत जैसे विद्वान देश में देश में हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हम मूर्ख है। ये बच्चों याद कर लेना, इन्होंने न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था। ये बच्चों क्वेश्चन आ गया है, किसने लिखा है। हाँ विकास खन्ना जी, लास्ट में मैं करवा दूंगा सर जी। लव फ्रॉम लंदन, अमित जी आपका प्यार है ये बना रहे, अमित राठौड़ जी, ठीक है। इस पर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा था, भारत जैसे विद्वान देश में हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हम मूर्ख है। पहले बच्चों भारत में ना ये ईसाई मशीनरीज आती थी अमेरिका वाले न्यूयॉर्क से, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ना 1875 में कर्नल अलकोट और मैडम ब्लास्की ने न्यूयॉर्क में की थी। तो मतलब अमेरिका जैसा देश है ना, भारत में है ना बच्चों, पुनर्जागरण भारतीयों को जगाने के लिए मशीनरी भेज रहा था। और वो ही समाचार पत्र लिखता है कि भारत जैसे विद्वान देश में हम अगर अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हम क्या है, मूर्ख है। ये भारतीयों की बच्चों बहुत बड़ी क्या हुई थी, जीत हुई थी। पूजा राजपूत गुड आफ्टरनून जी, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद रख लेना है कि स्वामी विवेकानंद जी है ना, इनके ज्ञान की बच्चों कोई जिसको साक्षात काली माँ ने दर्शन दे दिए हो, उनके ज्ञान की क्या सीमा हो रही होगी। एक बार कहते हैं बच्चों स्वामी विवेकानंद जी है ना, ये इतने बड़े आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। एक बार की बात है, एक सुंदर लड़की मिलती है और इनको कहती है स्वामी जी मेरे को आपसे क्या करनी है, शादी करनी है। तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि बेटा आपको शादी क्यों करनी है, मेरे से ही शादी क्यों करनी है। तो वो लड़की कहती है कि स्वामी जी मेरे को ना आपसे शादी करके आपके जैसा क्या चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। तो स्वामी जी कितना सुंदर जवाब देते हैं कि है ना आप है ना, मैं आपको माँ बोल देता हूँ तो मेरे को एक माँ मिल जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा, एक है बेटा मिल जाएगा, शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और बच्चों ये तो स्वामी जी थे, हरियाणा वाले होते ना तो डन कर देते बच्चों। हरियाणा वाले तो अपने मम्मी पापा से ही नहीं पूछते, ठीक है, मतलब कोर्ट वगैरह का मामला फिक्स करके ना सीधा घर पर जाते ही मम्मी को बोलते मम्मी देखो तुम्हारी बहू ले आया, मतलब पूछते ही नहीं। तो इतना अंतर था बच्चों स्वामी जी और हमारों में, इतना अंतर है। हाँ रिवाइज करवा देंगे शॉर्ट में, चिंता मत करना, ठीक है। अब बच्चों हाँ रामकिशन मिशन 1897 में है ये, प्रताप जी सारी चीज़ें आएगी, अभी तो मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि इन्होंने ना एक सोसाइटी की पेपर में आया था बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो। स्वामी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये एक बात लिखी थी, इन पर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन पर लिखा था, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो। स्वामी विवेकानंद जी को
पढ़ लो, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को। ये कोटेशन बच्चों CHSL में आई हुई थी एक बार, अगर भारत को जानना है तो किसको पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो। अगर किसको जानना है, अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को क्या कर लो, पढ़ लो। इस बात का बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये है ना बचपन से ही बच्चों 10th क्लास में कहते हैं ये बचपन से बड़े शरारती होते थे और इन्होंने 10th क्लास में क्या किया था, टॉप किया था। इन्होंने 10th की क्लास में क्या किया था बच्चों, टॉप किया था। बचपन से ही क्या होते थे, शरारती होते थे, अध्यापक से ना बच्चों शरारत करते रहते थे। अध्यापक को बच्चों दो ही बच्चे हैं ना, वो अध्यापक की मेमोरी में याद रहते हैं, या तो जो इंटेलिजेंट हो और या कोई शरारती हो। तो बच्चों ये क्या थे, इन्होंने 10th ये शरारती भी होते थे, मतलब कई बार क्या होता है तो शरारती बच्चा तो शरारती होता है लेकिन पढ़ाई में इंटेलिजेंट, ये शरारती थे और बच्चों 10th की मतलब पढ़ाई में इन्होंने क्या किया था, टॉप किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, अब बच्चों पेपर में और भी यहाँ से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है ना बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे, इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने बच्चों 1896 में ना न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने, विवेकानंद जी ने 1896 में न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट बच्चों 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना। हम भी शरारती है प्रताप जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बनना ना बहुत बड़ी बात होती है। अब बात आते हैं बच्चों इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में इन्होंने किस मिशन की स्थापना की थी, रामकिशन मिशन की स्थापना की थी और किसकी याद में की थी, अपने गुरु की याद में की थी और इनके गुरु का नाम क्या होता था, रामकिशन परमहंस होता था। इन्होंने अपने गुरु की याद में, रामकिशन परमहंस की याद में किसकी स्थापना की थी, रामकिशन मिशन की क्या की थी बच्चों, स्थापना की थी। और बच्चों एक बार आया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस समाज से प्रेरणा ली थी, तो बच्चों इन्होंने ये खुद लिखते थे मैंने किस समाज से प्रेरणा ली थी, ब्रह्म समाज से प्रेरणा ली थी। यानी स्वामी विवेकानंद जी अगर आए किसके विचारों से प्रभावित थे, राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होते थे स्वामी विवेकानंद जी के। एक तो इनके जीवन पर इनकी माता भुवनेश्वरी देवी का प्रभाव पड़ा था और एक ये किसके विचारों से प्रभावित थे बच्चों, राजा राम मोहन रॉय के विचारों से प्रभावित थे। या पूछा जाए ये किस समाज से प्रभावित थे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्म समाज से क्या होते थे, ये प्रभावित होते थे। इतना आपको याद रखना है बच्चों। लास्ट में है ना ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ना मैं आपको बता देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, महाराज खेतड़ी ने दी थी और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता क्या थे बच्चों, विश्वनाथ जी कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील होते थे। इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई थी और इन पर इनके पिता की बजाय इनकी माँ का क्या देखा गया था, ज़्यादा असर देखा था गया था। 25 वर्ष की उम्र में ये सच्चे ज्ञान की खोज में घर का त्याग कर देते हैं और अपने गुरु से भेंट होती है, स्वामी रामकिशन परमहंस से भेंट होती है और वो इनको शिष्य मानने से क्या कर देते हैं बच्चों, इनकार कर देते हैं। और इन्होंने आध्यात्मिकता से मतलब एक दिन प्रण किया था मैं इन्हें ही गुरु धारण करूंगा और आध्यात्मिकता में लीन हो गए थे। और कहते हैं कलकत्ता में काली माँ ने इनको क्या दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे, स्वामी विवेकानंद जी को दर्शन दिए थे। तो बच्चों स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं अगर भारत को जानना है ना तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लो, आप भारत को खुद जान जाओगे। और स्वामी विवेकानंद जी पर इनकी माँ के भुवनेश्वरी देवी जी के अलावा किसका प्रभाव था, ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन रॉय का प्रभाव था। 1893 में कहाँ पर गए थे, शिकागो में गए थे, सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और श्रीमद् भगवत गीता लेकर शिकागो गए थे। तो बच्चों स्वामी जी से रिलेटेड है ना हर हाल में क्वेश्चन बनते। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, 1897 में रामकिशन मिशन की क्या की थी इन्होंने, स्थापना की थी। तो बच्चों अब बात आती है कि इनका ना कहते हैं इनका 1902 में ना वेलूर मठ में ना इनका क्या हो गया था, देहांत। ये भी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, इनका वेलूर मठ में 1902 में ना क्या हो गया था, 1902 में
बेलूर मठ में, बेलूर मठ में इनका क्या हो गया था, देहांत। बेलूर मठ है ना, ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का एरिया है। बेलूर मठ में 1902 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। मैं तो कहता हूँ बच्चों, इससे पहले है ना, मतलब हमारे इतिहास का ना ये सबसे काला दिन था, 4 जुलाई 1902 का दिन था ना, वो हमारे इतिहास का क्या था, सबसे काला दिन था। हाँ, इनके दो सम्मेलन याद करने हैं बच्चों। 1893 में तो गांक पर गए थे ये, शिकागो गए थे, और सन 1900 में ना विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये पेरिस गए थे, ये याद कर लेना। 1900 में ये सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे, पेरिस गए थे। कहाँ पर गए थे बच्चों, पेरिस गए थे। पेरिस वाला सर्वधर्म सम्मेलन है बच्चों, ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, आया नहीं है, लेकिन ये आजकल है ना जीके का पता नहीं है बच्चों कहाँ से पूछ ले, ये याद कर लेना। 1893 में तो शिकागो में गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, 1900 में कब कहाँ पर गए थे, पेरिस। एक बार ये आया था बच्चों, पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के, ये HSSC ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों, पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे रहेगा, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय के विचारों से पुष्पा जी, हाँ जी गुरु जी, प्रमोद जी आपका भी स्वागत है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात यहाँ से और आती है, 1902 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो इनका देहांत किस मठ में हुआ था, 4 जुलाई 1902, प्रॉपर याद रखना है बच्चों, 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी का बेलूर मठ में क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ये बच्चों सब जब 1900 में ना पेरिस से वापिस आई ना, तो लाइन गुनगुनाते आए थे, ठीक है, मेरा भारत आगे निकल रहा है, गलियों से आगे निकल रहा है, शहरों से आगे निकल रहा है, सबसे आगे निकल रहा है, मेरा भारत आगे निकल रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी है ना बच्चों, एक अच्छे सिंगर के की भी इन पे क्वालिटी थी, जब ये मतलब पेरिस से आए, पेरिस में भारत की वाह वाह हुई ना, तो ये गुनगुनाते हुए आए थे, मेरा भारत आगे निकल रहा है, गलियों से निकल रहा है, शहरों से निकल रहा है, मेरा भारत आगे निकल रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी के विचार है ना बच्चों, ये आप है सुनो, ये अक्सर कहा करते थे, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये कहते हैं अगर वीकनेस हमारी है ना, वीकनेस हमारी डेथ है, और वीकनेस को हम सुधार लेंगे ना, तो हमें अपनी है ना स्ट्रेंथ तो हमारी है वो तो ठीक है, लेकिन हमें वीकनेस को हम जब अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे ना, तो दुनिया में कोई हमें हरा नहीं सकता। तो स्वामी विवेकानंद जी बच्चों, मैं तो कहता हूँ ये पुरुष नहीं महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बच्चों जितनी बातें बोल देना, उतनी ही स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बातें क्या रहेगी बच्चे, कम रहेगी। क्या कमाल की क्लास है प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। विकास खन्ना जी करवा दिया है रिवाइज, तो बच्चों स्वामी सतवीर सिंह जी आपका भी वेलकम है भाई, थैंक यू, ठीक है। तो बच्चों अब इम्पोर्टेंट है, 1893 में जब ये शिकागो से आए थे ना, तो अगले दिन ना न्यूयॉर्क हेराल्ड ने एक लेख लिखा था, किस समाचार पत्र ने लिखा था, न्यूयॉर्क हेराल्ड, अमेरिका का सबसे बेस्ट समाचार पत्र था उस टाइम। ये लिखता है कि भारत जैसे विद्वान देश में है ना, अगर हम है ना समाज सुधारक भेज रहे हैं, तो हम क्या है मूर्ख, यानी अमेरिका ने जैसे विकसित देश ने भी मान लिया था बच्चों, भारत का लोहा मान लिया था कि भारत है ना अमेरिका से कहीं आगे है। और बच्चों ये तो ना 39 वर्ष की अल्पायु में इनकी क्या हो गई थी, 39 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी मृत्यु ना होती ना, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं ऐसी शख्सियत को सच सत नमन करता हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद जी को क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। तो बच्चों ये है ना, मतलब आपसे एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, हम 12 जनवरी को इनकी याद में क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस। युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बच्चों युवा दिवस मनाया जाता है। इन बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। थोड़ा सा ना क्विक रिवीजन करवा लेता हूँ, आज तक है ना जितने इनसे क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद बच्चों थोड़ा सा एक और सोसाइटी पढ़ाऊंगा, थियोसोफिकल सोसाइटी, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। स्वामी विवेकानंद जी से आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं ना, वो सारे आपको करवा देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम क्या होता था, नरेंद्र दत्त होता था। पिता का नाम क्या होता था, पिता का नाम विश्वनाथ जी होता था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या होते थे, कलकत्ता
हाई कोर्ट के क्या होते थे, वकील होते थे। माता का नाम क्या होता था, भुवनेश्वरी देवी होता था। और जो क्या होती थी बच्चों, आध्यात्मिक नारी होती थी। और इनके ना इनके जीवन पर परख पड़ा, प्रभाव पड़ा था। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था। और इन्होंने अपना गुरु किसे माना, स्वामी रामकिशन परमहंस को। और रामकिशन परमहंस ने उनको शिष्य मानने से क्या कर दिया, इनकार। जब इनको ना एक बार काली माता जी ने इनको क्या दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे। कहाँ पर दर्शन दिए थे इनको, कलकत्ता में दर्शन दिए थे। बाद में इनको इनके गुरु ने इनको अपना क्या मान लिया था, शिष्य मान लिया था। 1893 में ये कहाँ पर गए थे, शिकागो गए थे सर्व धर्म सम्मेलन में। और वहाँ जाकर कहा था, अमेरिका के बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों बोला था, ठीक है। और बच्चों 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी, न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ पर की थी, न्यूयॉर्क में की थी 1896 में। और 1897 में इन्होंने किस मिशन की स्थापना की थी, रामकिशन मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु की याद में। इनके गुरु का नाम क्या होता था, रामकिशन परमहंस होता था। क्या होता था, परमहंस होता था। उन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिणेश्वर स्वामी कहा जाता है। सन 1900 में ये सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे, पेरिस गए थे। और इनको स्वामी की उपाधि किसने दी थी, इनको स्वामी की उपाधि महाराज खेतड़ी ने दी थी। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने वो करवाए हैं जो आपको हर एग्जाम में आते हैं। इनका देहांत कब हो गया था, 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया था। किस मठ में हो गया था, बेलूर मठ में इनका देहांत हो गया था, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ से, क्वेश्चन ज़रूर आता है, हाँ पेरिस में गए थे, ठीक है। अब बच्चों जो सारे के सारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने वेदांत सोसाइटी की, नेटवर्क दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, हाँ वेलूर मठ में प्रमोद कुमार जी। अब बच्चों हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में, किस सोसाइटी के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों हमें है ना, मतलब है थोड़ा सा सिलेबस को ना फास्ट करना होगा, ठीक है बच्चों। आपको ना जैसे वर्ल्ड की हिस्ट्री है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी वर्ल्ड की भी हिस्ट्री करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। कौन सी सोसाइटी पढ़ेंगे बच्चों, थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी पढ़ेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। इसकी स्थापना की थी बच्चों कर्नल अलकाट ने की थी, किसने की थी, कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर, एक मैडम थी बच्चों, मैडम का नाम था बलात्स्की, मैडम बलात्स्की और कर्नल अलकोट ने किसकी स्थापना की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी। और बच्चों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, एक क्वेश्चन आता है क्यों हुई थी, और ये बच्चों पुराने धर्मों को जीवित करने के लिए, पुराने धर्मों को जीवित करने के लिए किसकी स्थापना हुई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके लिए हुई थी बच्चों, पुराने धर्मों को जीवित करने के लिए। जैसे पुराना बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनको जीवित करने के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या हुई थी, स्थापना। और बच्चों ये भी क्वेश्चन आता है, थियोसोफिकल सोसाइटी है ना, ये पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। थियोसोफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म में क्या करती थी, विश्वास करती थी कि पुनर्जन्म इंसान का दोबारा क्या होता है, जन्म। ये बच्चों पूछा गया था थियोसोफिकल सोसाइटी। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, यही है थियोसोफिकल सोसाइटी, 1875 में न्यूयॉर्क में। बहुत बढ़िया प्रताप जी, ठीक है। अब बात आती है कर्नल अलकोट और मैडम ब्लात्स्की ने किसकी स्थापना की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी। अब बात आती है बच्चों इसकी पहली शाखा भारत में कब आई थी, 1886 में आई थी मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर। थियोसोफिकल सोसाइटी भारत कब आई थी, ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों, थियोसोफिकल सोसाइटी भारत कब आई थी, तो 1886 में ये कहाँ पर आई थी, भारत में आई थी, मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर आई थी। अगर आई थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में प्रचार प्रसार किसने किया, भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था श्रीमती एनी बेनसेंट ने किया था, श्रीमती एनी
बेनसेंट ने इसका प्रचार प्रसार कहां पर किया था, भारत में किया था। तो बच्चों श्रीमती एनी बेनसेंट से भी क्वेश्चन पक्के आते हैं। श्रीमती एनी बेनसेंट है ना, ये 1893 में कहां पर आई थी, भारत आई थी। श्रीमती एनी बेनसेंट ये पूछा जाता है कहां की महिला थी, तो श्रीमती एनी बेनसेंट बच्चों आयरलैंड की महिला थी। श्रीमती एनी बेनसेंट कहाँ की महिला थी, आयरलैंड की महिला थी। और ये कब भारत आई थी श्रीमती एनी बेनसेंट, 1893 में क्या आई थी, भारत आई थी 1893 में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी कहाँ पर गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। और महात्मा गांधी 1893 में कहाँ पर गए थे, अब्दुल्ला नामक एक सेठ का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। तो महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी न्यूयॉर्क जाते हैं, और श्रीमती एनी बेनसेंट कहाँ आई थी, भारत आई थी। और बच्चों श्रीमती एनी बेनसेंट है ना, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 में श्रीमती एनी बेनसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। जब मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा ना, तो बच्चों ये सारी चीजें श्रीमती एनी बेनसेंट के बारे में आपको चीजें बताऊंगा। तो बच्चों दोबारा बताता हूँ, थियोसोफिकल सोसाइटी है ना, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को यानी पुराने धर्मों को जीवित करने के लिए आई थी। और ये किस में विश्वास रखती थी, पुनर्जन्म में क्या रखती थी, विश्वास रखती थी कि स्थापना, ये बच्चों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1875 में न्यूयॉर्क में किसने की थी, कर्नल अलकोट और मैडम ब्लोत्स्की ने की थी। और इसकी शाखा भारत में, इसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मा किसका था, श्रीमती एनी बेनसेंट का। अब जो श्रीमती एनी बेनसेंट 1898 में ना सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करती है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीमती एनी बेनसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की क्या करती है, स्थापना कर दी है। और बच्चों आजकल सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी को किस नाम से जाना जाता है, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आजकल इसी सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इसे बच्चों BHU बनाने में किसको श्रेय जाता है, इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के में श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। किसको जाता है बच्चों, मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है बच्चों, मदन मोहन मालवीय जी को जाता है, एनी बेनसेंट ने किया था। और बच्चों मदन मोहन मालवीय जी से क्वेश्चन पक्के आते हैं। मदन मोहन मालवीय जी को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। एक बच्चों किस्सा याद आता है कि जब कहा गया था एक बार ना, मदन मोहन मालवीय है ना BHU के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ना चंदा मांगने के लिए एक सेठ के पास जाते हैं। और सेठ ने बच्चों इनको ना लाखों रुपए है ना एक बैग भर कर ना सेठ ने इनके मुंह पर फेंक दिए और कहा, जा ले जा चंदा, तू भी क्या करेगा, लाखों तू भी याद करेगा कि तेरे को लाखों रुपए देने वाला एक सेठ मिला था। तो बच्चों मदन मोहन मालवीय इतने इंटेलिजेंट थे, इतने बच्चों स्वाभिमानी थे, इन्होंने वो लाखों रुपए उस सेठ के मुंह पर मार दिए और कहा, तू भी क्या याद करेगा कि कोई ऐसा इंसान आया था जो तेरे लाखों रुपयों को ठोकर मार कर चला गया। तो बच्चों इतने बड़े ये स्वाभिमानी थे। और एक बार कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी है ना एक राजा के दरबार में जाते हैं और राजा को कहते हैं, हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए चंदा चाहिए। तो बच्चों राजा इनको चंदा देने से क्या कर देता है, इनकार देता है। इनके दिमाग का आइडिया लगा ना बच्चों, ये कहते हैं राजा जी आपको मेरे पास देने को आपके लिए कुछ तो होगा। तो राजा ने कहा कि मेरे को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की, राजा जी कुछ तो दो। तो इनका ध्यान है ना एक कोने में चला गया, कोने में ना राजा की बच्चों एक फटी हुई जूती पड़ी थी। तो ये कहते हैं राजा जी आप कहो तो मैं ये जूती ले जाऊं। तो राजा ने कहा कि पीछा छूटेगा, बोले आप जूती ले जाओ। तो बच्चों इतने ज्यादा दिमाग की थे कि उस जूती को एक चौराहे पर लटका दिया और जूती की बोली लगानी स्टार्ट कर दी कि आपका राजा कंगाल हो गया है और हमें उसकी जूती की क्या करनी पड़ेगी, नीलामी। देखते ही देखते बच्चों जूती की बोली है ना लाखों में चली गई। फिर ना वहां से राजा की एक माँ गुजर रही थी, उसने देखा ये मामला क्या है, तो उनको पता चला ये राजा की जूती है। तो राजा की माँ बच्चों इनको मतलब जूती समेत घर ले आई और इनका आदर सत्कार किया और राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, इनको ना भरपूर क्या दिया था, चंदा।
देखो बच्चों वहां से तो ये लाखों रुपयों को ठोकर मारकर आ गए थे सेठ के पास से, और यहां से बच्चों राजा ने इनको चंदा देने से इनकार कर दिया, फिर भी उनसे क्या ले आए चंदा। ये रियल में भारत रत्न के क्या थे बच्चों, हकदार थे, मदन मोहन मालवीय। इनको ना सचिन तेंदुलकर के साथ बच्चों 2015 का जो भारत रत्न है ना प्रताप जी, इनको मिला था। तो मदन मोहन मालवीय का नाम बच्चों बड़े सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है, मदन मोहन मालवीय का नाम है लिया जाता है बच्चों, ये याद रख लेना है। थियोसोफिकल सोसाइटी क्यों आई थी, ये पूरा मतलब पुराने धर्मों को ना पुनर्जीवित करने के लिए आई थी, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सनातन धर्म हो गया, सनातन धर्म हिंदू धर्म को ही कहा जाता है, यानी इनमें जितनी भी बुराइयां आई थी ना बच्चों इनको दूर करने के लिए कौन सी सोसाइटी आई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी आई थी। तो बच्चों ये एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है कि हाँ विकास जी सही बोल रहे हो, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना पूछी जाती है बच्चों, किसने की थी, कर्नल अलकोट और मैडम ब्लात्स्की ने इसकी क्या की थी स्थापना, किसने की थी, कर्नल अलकोट और मैडम ब्लात्स्की ने। अब बच्चों का ना एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारा टाइम से सिलेबस हो जाएगा, अब चिंता मत करो यार, एक एक दिन में ना मतलब है कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपका सिलेबस टाइम पर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आराम से सिलेबस इसलिए करा रहा हूँ कि हर उस बच्चे को भी सिलेबस समझ आ जाए जो अब नया जुड़ा है, जो जिसको जीके से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। बच्चों हमें ना मतलब है एक है ना ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बच्चों कि है ना आप भी है ना ये सब्जेक्ट पढ़ा सको, आपको भी जीके से क्या हो जाए प्यार हो जाए। मैं यहाँ पर सिखाने मैं मतलब आपको पढ़ाने नहीं आता बच्चों, सिखाने आता हूँ। आप भी है ना चार बच्चों का ना भला कर सकते हो, ठीक है, आपकी जॉब लग जाए ना तो बच्चों टीचिंग है ना ये छोड़ना मत, जितना हो सके ना बच्चों ये ज्ञान है ना जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर जीके है ना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो उनके दिमाग से वो फोबिया निकालने के लिए बच्चों हम बार बार निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि जीके को ना इतना इंटरटेनिंग बना दिया जाए कि बच्चे ये सोचे कि मैं फिल्म देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों फिल्म वाली चीज़ें हमें है ना जिंदगी में कभी नहीं भूलते, कि फिल्में हम कभी नहीं भूलते ना, आज भी शोले का कोई भी सीन पूछ लो कितने आदमी थे कालिया कभी भूलेंगे क्या, शोले का सीन नहीं भूलते तो हाँ घंटे पहले जो लेक्चर पढ़ा है वो भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि दिमाग में ना आपके ये चीज़ें बिठा दी जाए। PDF डाउनलोड, हाँ PDF पे उस पर काम चल रहा है, एक दो दिन में ना वो खुशखबरी संजू हरियाणा पुलिस जी आपको मिल जाएगी, PDF भी डाउनलोड होने लगेगी, बस एक दो दिन का आप टाइम दे दीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, मैं भी आपकी तरह कोशिश करता हूँ। विकास खन्ना जी बहुत अच्छी बात है, हाँ प्रताप जी PDF का डाउनलोड का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बच्चों हमारी तो बस एक ही मुहिम रहती है कि हर एक पढ़ने वाला बच्चा क्या लग जाए जॉब। तो आज बच्चों हमने दो सोसाइटी, एक तो रामकिशन परमहंस मतलब से संबंधित रामकिशन मिशन पढ़ी थी, तो बच्चों जिसमें स्वामी विवेकानंद जी को आप पढ़ना मत भूलना 12 जनवरी 1863 को, और 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में उनका क्या हो गया देहांत। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था कि अगर आपको भारत को जानना है ना तो आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लो, आप विवेकानंद जी के बारे में जानोगे तो भारत को अपने आप जान जाओगे। और स्वामी विवेकानंद जी कौन सी पुस्तक लेकर गए थे बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता लेकर गए थे, उनका उन्होंने क्या किया था प्रचार प्रसार किया था। भैया 1 जनवरी 2018 यूट्यूब चैनल बनाया था, तब से बहुत प्यार करता हूँ आपसे। ये संजू जी जरूर, ये आपका प्यार है ना ये ही तो बच्चों हमें मोटिवेट करता रहता है, ठीक है, ये बच्चों मतलब आप सभी का प्यार है, आप हो तो हम है, आपके बिना बच्चों हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, आप है ना, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना। और बच्चों ठीक है ना मतलब 4 बजे है ना तो दूसरी हरियाणा जीके की क्लास होगी, और मैं तो मतलब बच्चों से कल भी बहुत से मैसेज आए थे कि सर आप इंडिया जीके की दोनों क्लास, बच्चों मैं इंडिया जीके की भी ले सकता हूँ, लेकिन बच्चों के मैसेज आए सर आप साथ में ना हरियाणा जीके भी करवा दो, क्योंकि है ना हरियाणा जीके श्योर होती है बच्चों, 25 में से आप 23-24 नंबर सिक्योर कर सकते हो। तो अभी टाइम है ना बिल्कुल बेसिक से हरियाणा जीके पर बच्चों काम करेंगे। पर आपसे मुझे लास्ट में क्या हो गया भाई, सर टाइम बढ़िया, प्लीज़ स्टडी कहा ये का और भी पढ़ा है, ठीक है।
हाँ पूजा जी ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना बच्चों आपको मतलब कोशिश करेंगे सारी इंडिया जीके आपके उंगलियों पर याद है हो जाए, आपके जीके के कारण कभी नंबर कट है ना हो। तो बच्चों मैं आपसे ज़रूर अब ठीक है ना बच्चों 4 बजे आपसे दोबारा मिलूँगा, सही है गुरु जी, हरियाणा जीके भी ज़रूरी है, ठीक है प्रताप जी मिलते हैं, ठीक है 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं, हरियाणा भी इम्पोर्टेंट है, आप अपने हिसाब से करवाओ संजू। हरियाणा पुलिस जी थैंक यू भाई, आपका प्यार बनाए रखना, ठीक 15 मिनट बाद फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चाय भाई पी लो बच्चों, ओके बच्चों टेक केयर।